हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुक्मणी रसोई से। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल मिर्च का अचार, जो एक आपको सालों साल अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होता। इसके लिए हमने क्या लिया है, ये 2 किलो मिर्च है हमारी। इसके लिए हमने 100 ग्राम पीली सरसों ली है, 100 ग्राम हमने सौंफ ली है, 50 ग्राम हमारी ये मेथी है, 50 ग्राम करीब ये भूरा है, 4 चम्मच हमारे ये जीरे हैं, अजवाइन सॉरी, 4 चम्मच हमारे ये जीरे हैं, चाहिए का आप बड़ा चमचा ले लो। ये हमारी राई है, हमारी 4 पत्ते इसके हैं, तेज पत्ता है 4, थोड़ी लौंग है, थोड़ी इलायची है, और हमारे सेंधा नमक है। इसमें हमने अमचूर लिया है, थोड़ा हम काला नमक भी लेंगे, ये हमने थोड़ा काला नमक लिया है। अब इसके बाद हमें थोड़ा सरसों का तेल भी लेना है, ये वाला सरसों का तेल भी लेंगे हम। अब हम पहले इन सारे मसालों को अब हम पहले कढ़ाई में एक ड्राई रोस्ट करेंगे इनको। ये हमने 2 किलो उसके लिए 300 करीब सेंधा नमक लिया है, और थोड़ा अभी हम ये सरसों का तेल भी लेंगे वही उसमें डाल। अब हम पहले गैस ऑन कर लिया, अब हम गैस कढ़ाई को चढ़ाए, अब सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। फिर हम मेथी भूनेंगे, उसके लिए हमें स्लो आंच रखना है, तेज आंच में नहीं भूनेंगे, उसका हमें थोड़ा कीरनपन कम करना है, बस उसकी नमी खत्म हो जाए इतना ही भूनना है हमको। थोड़ी खुशबू आने लगी, थोड़ी कीरन खत्म हो जाए। हमारी ये ड्राई रोस्ट हो चुकी, अब इसको निकालेंगे, इसमें निकालती हूँ सारे मसालों को। सौंफ भी हम थोड़ी हल्की ड्राई रोस्ट करेंगे, अब इसको निकाल रहे हैं। पीली राई भी डाल दी हम, दोनों को मिक्स करके इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। अब हमने काली राई और पीली राई को मिक्स करके इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया, इसको इकट्ठा निकालते जा रहे हैं क्योंकि हमें पीसना भी इकट्ठा ही है। अजवाइन और जीरा दोनों मिक्स कर लेंगे, इसको थोड़ा ही करना है बस, निकाल लें। थोड़ा तेज पत्ते और ये थोड़ी लौंग ली थी वो, थोड़ी काली मिर्च, इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस को कर देंगे ऑफ, ये हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके, इनको भी इसमें डालेंगे। रोशनी हम लोग अभी ठंडा होने पर हम इसको मिक्सी से पूरा मसाला पीस लेंगे। हमारा ये मसाला हमने मिक्सी में पीस लिया, अब इसमें हम डाल रहे हैं अमचूर, इसमें थोड़ा काला नमक, इसमें जी जाएगा नमक, हम सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं क्योंकि इससे मिर्च अचार ख़राब नहीं होता। ये जाएगी हमारा भूरा, इसको हमें करना है मिक्स। हमारा ये मसाला पूरा तैयार है, अब हम इसमें कढ़ाई में अब हम तेल को गर्म करना है, सरसों के तेल का को गर्म करना।
कढ़ाई में हम गरम तेल कर रहे हैं सरसों का, क्योंकि इसकी हमें अभी आवश्यकता पड़ेगी। देखो इसमें हमने बहुत सारे इसके बीजे निकाल लिए, इसको हमने थोड़ा खारी कर लिया। अब इसको हम ऐसे मसाला सूखा भरेंगे, क्योंकि थोड़ी मिर्च गीली होती है ना, तो इसका मॉइस्चराइजर इसका इसके साथ आ जाता है इसमें, तो ये खराब नहीं होती। अब ये भर गई, अब जो हमारा तेल गरम होगा इसमें हम डाल के थोड़ा सा तेल और बढ़नी में रखेंगे। इसी तरह हम ये सारी मिर्चों में मसाला भर के तैयार करेंगे हम जी मिर्च को। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, अगर आप इसी तरह डालें तो आपका ख़राब भी नहीं होगा, अच्छा भी लगेगा। और अगर बनाने पे अच्छा लगे तो आप हमें नोटिफिकेशन ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अभी बहुत नई हूँ तो थोड़ा सहयोग की आवश्यकता है, तो आप मेरा सहयोग अवश्य करें। हमारा तेल गरम हो गया, अब हम करते हैं गैस को ऑफ, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसमें हम मिर्च को थोड़ा से डोब डोब के इसमें जार में रखेंगे। अब जहाँ से हमने ये मिर्च को भरा है यहीं साइड से ऐसे मिर्च ऐसे डालेंगे इस तेल में, ऐसे जहाँ से ये मसाला भरा है वहीं साइड से ऐसा करेंगे मिर्च को, जिससे इसके अंदर तेल आसानी से पहुंच जाए। देखो जितना तेल बचेगा उसके फिर ऊपर से डाल देंगे जार पे उसका कढ़ाई का। जब आपकी सारी मिर्च भर जाए तो जार में रख के उसके ऊपर एक दो नींबू दो तीन नींबू को के रस को निचोड़ दें और ढक के अच्छी तरह से अभी 2-4 दिन के लिए रख दें। अब आपका लाल मिर्च का अचार तैयार है। आप आराम से सालों साल खराब नहीं होता है, एक बार ट्राई अवश्य करें।